गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूँ फिर से एक बार आप सभी का हमारी आज की क्लास में। आज हम क्लास सेवेंथ का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स केयर पार्ट टू के बारे में बात करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ये वीडियो वैसे तो क्लास सेवेंथ के बच्चों के लिए है, लेकिन क्लास सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ सभी क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हर किसी की क्लास में आता है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि जो पूरी जो न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस जो होता है एनिमल्स में, वो फाइव स्टेप्स का होता है। नंबर वन इंजेशन, नंबर टू डाइजेशन, नंबर थ्री एब्जॉर्प्शन, नंबर फोर एसिमिलेशन और नंबर फाइव इजेशन। इन पांच प्रोसेस से हमारा पूरा डाइजेशन हो रहा था, जो भी एनर्जी लेनी थी, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेने थे, न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो रहा था। आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस का डाइजेशन जो होता है वो इन चीजों से होकर गुजरता है, छह स्टेप से होकर गुजरता है। जो भी हम खाते हैं वो इन छह चीजों से होकर गुजरता है। नंबर वन बक्कल कैविटी, नंबर टू ओएसोफेगस, नंबर थ्री स्टमक, नंबर फोर स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर फाइव लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में एनस। अगर इसी चीज को इधर समझने की कोशिश करें, बक्कल कैविटी वाला पोर्शन कौन सा होगा? जो माउथ वाला पोर्शन होगा उसी को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। ओएसोफेगस आपका जो एक पाइप दिखाई दे रहा है ना, इसे फूड पाइप भी कहा जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। सबसे पहले खाना मुंह में जाएगा, फिर इस पाइप से कहां जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद ये कहां जाएगा? सबसे पहले कौन सी इंटेस्टाइन में जाएगा? लार्ज में जाएगा या स्मॉल में जाएगा? ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवें नंबर पे स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर एनस के थ्रू हमारा जो फूड मटेरियल है वो बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन। पिछली वीडियो में बात करी थी, सबसे पहले माउथ में जाएगा वो कौन सा प्रोसेस है? इंजेशन। और जब बाहर जाएगा वो क्या है? इजेशन। देखिए, बक्कल कैविटी के बारे में अगर हम बात करें तो तीन चीजों के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बात करी जाएगी। नंबर वन है हमारा माउथ। माउथ छोड़िए, आपके बात करते हैं माउथ के अंदर टीथ, बी है आपकी टंग और नंबर सी है सेलिवरी ग्लैंड्स। देखिए, समझेंगे, आपके जो दांत होते हैं, आपके जो टीथ होते हैं, नॉर्मली टीथ की संख्या कितनी होती है? 32, कुछ लोगों में 28 टीथ भी होते हैं। जो आपके टीथ होते हैं उनका काम क्या होता है? टीथ का काम होता है खाने को चबाना, खाने को क्या करना? चबाना। लेकिन जितने आपके टीथ होते हैं, 32 टीथ, उन सभी का काम एक जैसा होता है? आपके सारे टीथ का काम एक जैसा होता है? आप बोलेंगे पता नहीं सर, मैं बोलूंगा नहीं होता। देखिए, आपके आपकी बॉडी में चार तरह के टीथ होते हैं। अगर हम 32 टीथ को डिवाइड करें तो वो भी चार तरीके के होते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और नंबर फोर इंसिसर्स। कौन कौन से टीथ हैं बच्चों? नंबर वन मोलर, नंबर टू प्रीमोलर, नंबर थ्री कैनाइन, नंबर फोर है हमारे इंसिसर्स। जो मोलर होते हैं उनकी संख्या होती है 12। 12 कैसे? 6 ऊपर, 6 नीचे वाले जबड़े में। इसके बाद जो प्रीमोलर होते हैं उनकी संख्या होती है 8। कैनाइन की संख्या होती है आपके माउथ में 4। और जो इंसिसर्स होते हैं उनकी संख्या भी आपके माउथ में होती है 8। देखिए, इन चारों टीथ के बारे में पता करेंगे। मोलर होते हैं आपके 12, प्रीमोलर 8, कैनाइन होते हैं 4, इंसिसर्स होते हैं 8। आपके जबड़ा होता है एक नीचे वाला जबड़ा, एक ऊपर वाला जबड़ा। देखिए, आपका माउथ ऐसे करके ही तो खुलता है, टीथ हैं आपके, ऐसे करके जबड़ा खुलेगा, ऐसे करके बंद होगा, ठीक है। तो जब आप मुंह खोलते हैं तो आपके सामने के जो चार टीथ दिखाई देते हैं ना, सामने के जो टीथ दिखाई देते हैं कितने? जो सामने वाले टीथ जो दिखाई देते हैं उन्हीं टीथ को क्या कहते हैं हम? इंसिसर्स। क्या कहते हैं? इंसिसर्स।
चार टीथ ये सामने वाले और चार ये नीचे वाले, ये दोनों कितने हुए, चार ऊपर वाले जो के, चार अपर जो के, चार लोअर जो के, ये टोटल हमारे हुए आठ। देखिए उसके बाद आते हैं कैनाइन। कैनाइन जो हमारे जो दांत होते हैं ना पेने वाले, हल्के से आप दांत देखेंगे ना, इन चार दांतों के, देखो ये चार दांत सामने होते हैं, इनके बराबर से एक दांत होता है, वो थोड़ा सा पहना होता है और लंबा होता है। आप कुत्ते को देखते हैं, कुत्ता देखा है, कुत्ते का एक दांत यहां से निकला हुआ होता है लंबा सा, उसका उस दांत का काम क्या होता है, किसी भी चीज को फाड़ने का। इंसिसर्स का काम क्या होता है, कोई भी आप एप्पल खाते हैं बाइट किन से करते हैं, बाइट इंसिसर से ही तो करते हैं। आप गन्ना अगर आपने कभी खाया हो, गन्ने को कैसे छीलते हैं, कैनाइन टीथ की मदद से छीलते हैं। तो कैनाइन टीथ आपके कितने होते हैं, चार, दो अपर जो में और दो लोअर जो में। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। उसके बाद क्या आते हैं, प्रीमोलर। कैनाइन टीथ से आगे के, मतलब कैनाइन टीथ से इधर और इधर जो टीथ होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रीमोलर। दो, चार अपर जो में होंगे ये, चार लोअर जो में होंगे, और जो आप जिन्हें कहते हैं ना दाढ़े, जहां पे आप रख के खाना चबाते हैं, वही आपके कहलाते हैं मोलर। ये छह ऊपर होते हैं और छह नीचे होते हैं। देखिए कुछ कुछ लोगों में क्या होता है कि ये छह ना होकर ये चार हो जाते हैं, ये पांच हो जाते हैं, तो उनके टीथ की संख्या नीचे को गिर जाती है या कम हो जाती है। अगर ये छह ना होकर पांच हो जाए तो पांच इधर और दस रह जाए। अगर ये चार हो जाए मोलर टीथ, तो उस इंसान के टीथ कितने होंगे बॉडी में, 28। तो आपने टीथ की इंपॉर्टेंस जानी। इसके अलावा हम बात करेंगे टंग के बारे में। आपकी जो टंग होती है, शेप कैसा होता है टंग का, कुछ इस तरीके का शेप होता है, टंग का शेप ऐसा होता है, ठीक है, सब बच्चे इस बात को मानेंगे। लेकिन टंग का काम क्या होता है, देखिए टंग का काम होता है आप जो भी बोलते हैं, स्पीच फॉर्मेशन में टंग का काम है, आप जो कुछ भी बोलेंगे कि उसमें टंग आपको बोलने में मदद करेगी। दूसरा काम क्या होगा, अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा लिया आपने, खाना खाते समय आपका जो फूड होता है ना, वो टंग फूड को फेंकती रहती है दांतों की तरफ को, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन टंग का काम ये होता है कि वो आप जो कुछ भी खाना खाते हैं वो दांतों के बीच में उसे फेंकती रहती है। लेकिन एक काम और होता है टंग का, देखिए आपने खाना खा लिया, ठीक है, खाना खा के आप आलस मार के लेट गए, आपने मुंह साफ नहीं किया, तो क्या होता है आपके अगर कहीं दांत पर खाना फंस गया है तो टंग वहीं पर पहुंच जाती है। खाना जब तक छुटा नहीं लेगी वहां से टंग हमारी हटती नहीं है। तो टंग का काम हमारे माउथ को क्लीन करने का भी होता है। देखिए अब हम टंग के बारे में बात करें, तो क्या टंग का हमारा जो जितना भी पोर्शन होता है, टंग में होते हैं टेस्ट ग्लैंड्स। क्या होते हैं बच्चों, टेस्ट ग्लैंड्स, जिनकी मदद से हमें किसी भी चीज को टेस्ट कर पाते हैं, किसी भी चीज का स्वाद ले पाते हैं। कोई खाना अच्छा बना है बुरा बना है कैसे बताते हो, टेस्ट करके ही तो बताते हो। टेस्ट किससे करोगे, टंग से ही तो करोगे। टंग को क्या कहते हैं हिंदी में, सबे पता होगा जी। देखिए तो टंग में स्वीट टेस्ट, सॉल्ट टेस्ट, सोर टेस्ट, बिटर टेस्ट, इन चारों को कैसे पता करेंगे। देखिए आपका जो सबसे आगे वाला एरिया होता है ना टंग का, ये वाला एरिया, इस एरिया से हम क्या स्वीट टेस्ट जो हमें मिलता है वो इस एरिया से हमें मिलता है। और अगर हम बात करें सॉल्ट टेस्ट के बारे में, कोई चीज सॉल्टी है नमकीन है तो वो कैसे पता करेंगे, वो हम पता करते हैं इसके बराबर से, ये वाला जो पोर्शन होता है ना इससे हमें पता चलता है सॉल्ट टेस्ट के बारे में, ठीक है बच्चों। कोई चीज का टेस्ट कड़वा सोर है, कोई चीज बक्सी सी है, टेस्ट उसका अच्छा नहीं है, तो वो किस चीज से पता करते हैं हम, वो हम पता करते हैं इस वाले एंड्स यहां से। और कोई चीज कड़वी है उसे बताता है हमारा ये वाला एरिया। आप जब कुछ चीज कड़वी खा लेते हैं ना और कहते हैं पूरा मुंह अंदर तक कड़वा हो गया, वो अंदर तक कड़वा इसलिए होता है क्योंकि आपके ये जो होते हैं ना कड़वा कड़वा टेस्ट जो पता चलेगा, ये टेस्ट ग्लैंड्स थोड़े अंदर जाके होते हैं, जीभ के आगे की तरफ नहीं होते। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी कोई स्वीट मीठी चीज खानी है तो डायरेक्ट
अंदर नहीं रख लेनी है एकदम से, इस वाले एरिया से टच जरूर कराएं, खाने में ज्यादा स्वाद आएगा। तीसरी चीज है हमारी सेलिवरी ग्लांड्स। सेलिवरी ग्लांड्स का क्या मतलब होता है? सेलिवरी ग्लांड से ही निकलता है सलाइवा। क्या निकलता है? सलाइवा। देखिए सलाइवा का क्या काम होता है? सलाइवा को आप नॉर्मल वर्ड्स में कह सकते हैं लार। जब आप खाना खाते हैं, आपने देखा होगा, आप कोई भी खाना खा ले, थोड़ी देर के बाद अगर आप अपने शीशे में मुंह खोल के देखेंगे तो वो खाना थोड़ा सा पेस्ट की फॉर्म में हो जाता है, एक थिक पेस्ट बन जाता है। लेकिन आपका जो खाना था वो सॉलिड था, लेकिन वहां पे अगर आपने देखा तो कुछ कुछ लिक्विड और सॉलिड के बीच का खाना आपका बन जाता है, खाना आपका थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और वहां पर थोड़ा सा वाटर जैसा भी कुछ होता है। तो वो कहां से आता है? सेलिवरी ग्लैंड से आता है। सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है सलाइवा, और सलाइवा हमारे खाने के साथ मिलता रहता है, और सलाइवा अगर हमारे खाने से नहीं मिलेगा तो हमें खाना निगलने में बहुत दिक्कत होगी, और अगर खाना अगर आप सही से नहीं निकल पाएंगे तो खा भी नहीं पाएंगे। तो सेलिवरी सलाइवा की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। चलिए अब हम बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर टू के बारे में। पॉइंट नंबर टू है हमारा ओसोफेगस। देखिए आपने खाना लिया, माउथ में लिया, माउथ में लेके आपने खाना खाया, ठीक है, आपने खाना खाया और आपका खाना अब कहां जाएगा? ओसोफेगस में जाएगा। देखिए आपने माउथ में से खाना लिया, चबाया उसे अच्छे से, अब ये खाना कहां जाएगा? आपका फूड पाइप से होता हुआ जाएगा। इस फूड पाइप को ही क्या कहते हैं? ओसोफेगस। यहां आपके लिए एक जानने वाली चीज ये है कि हमारा जो फूड पाइप जो होता है ना, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? दो पार्ट्स में। मान लिया ये हमारा फूड पाइप है, तो इस फूड पाइप के अंदर भी दो पाइप होंगे। अब ये दो पाइप क्यों होंगे इसके बारे में बताऊंगा मैं, बहुत अच्छी जानकारी दूंगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी। देखिए ये फूड पाइप एक होगा, इस पाइप के अंदर भी दो पाइप होंगे, ठीक है, दो पाइप होंगे। एक पाइप से तो जाएगी अंदर एयर, एयर जाएगी, हम ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये प्रोसेस किससे चलेगा? इस वाले पाइप से चलेगा। और जो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वो किससे चलेगा? इस फूड पाइप से। एक होगा फूड पाइप और एक होगा एयर पाइप। एयर पाइप से क्या जाएगी? एयर जाएगी, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तब कौन सा पाइप इस्तेमाल में होता है? एयर पाइप। और जब आप खाना खाते हैं तो कौन सा इस्तेमाल होता है? फूड पाइप। अच्छा चलो मानो के इन दोनों की जगह सिर्फ एक पाइप होता, इन दोनों की जगह एक पाइप होता, तो जब आप खाना खाया करते तो सांस नहीं लिया पाते, या तो सांस ही ले सकते थे या खाना ही खा सकते थे। जितनी देर खाना खाते आप उतनी देर सांस नहीं ले पाते। और अगर खाना कितनी देर में खाकर निवटते हो? 15 मिनट, 10 मिनट, कम से कम तो मान के चलो 10 मिनट सांस रोक लोगे नहीं। तो ये दो पाइप बनाए गए, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने बात करी किसके बारे में? बक्कल कैविटी के बारे में, ओसोफेगस के बारे में। अब माउथ में एक चीज और बात करते हैं। माउथ में हमारा खाना जाता है तो माउथ में हमारा खाना क्या होना स्टार्ट होता है? एब्जॉर्ब होना भी स्टार्ट होता है और डाइजेस्ट होना भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन क्या है? आपके फूड पार्टिकल को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उन्हें सिंपल फॉर्म में बनाना ही क्या है? डाइजेशन। तो माउथ में आप उसे चबा रहे हो तो सिंपल फॉर्म में तो बना ही रहे हो ना। तो अब मैं माउथ के बारे में आपको बताऊंगा किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन इन माउथ, देखिए किन किन चीज का एब्जॉर्प्शन होता है माउथ में। सबसे H2O, जिसे आप कहते हैं वाटर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अलावा थाइन, ये चीज आपको नहीं पता होगी, आइसोप्रिनोलिन, ये भी आपको नहीं पता होगी, इसके अलावा कैफीन, ये आपको कुछ कुछ सुनी हुई होगी, और इसके अलावा एक होता है निकोटिन। देखिए मैंने आपके सामने छह चीजें लिखी, H2O, कार्बोहाइड्रेट्स,
थाइन, आइसोप्रिनिल, कैफीन और निकोटीन, इन छह चीजों का हमारे माउथ में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट्स किसके लिए होते हैं, एनर्जी के लिए होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहां पे जब ये हमारे चार आते हैं ना, थाइन, आइसोप्रिनिलिन, कैफीन और निकोटीन, देखिए निकोटीन हमें मिलती है टी एंड टोबैको से, आइसोप्रिनिलिन मिलती है स्वीटी सुपारी, सुपारी जो खाते हैं ना लोग, सुपारी से। ऐसे ही थाइन और कैफीन आपको मिलती है कॉफी से। तो ये चारों चीजों का जब आपके माउथ में, इन चारों चीजों का आपके माउथ में जब ओवर एब्जॉर्प्शन होता है, देखिए मैंने आपको बताई थाइन, आइसोप्रिनिलिन, कैफीन, निकोटीन, इन चार चीजों का आपके माउथ में जब जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है तभी बनता है आपका माउथ कैंसर। क्या बनता है? माउथ कैंसर। और इंडिया में कैंसर अलग अलग तरीका के होते हैं, माउथ कैंसर होता है, लीवर कैंसर भी होता है, आपका स्टमक कैंसर भी होता है, ब्रेन ट्यूमर भी बनते हैं, ब्लड कैंसर भी होता है। लेकिन इंडिया में कैंसर से सबसे ज्यादा लोग जो मरते हैं वो किस कैंसर से मरते हैं? माउथ कैंसर से। तो इस चीज से आपके लिए समझने वाली बात यह है कि आपको इन चारों चीजों से हमेशा बच के रहना चाहिए अगर आप एक स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हैं। देखिए हमने बात करी किसके बारे में, बक्कल कैविटी माउथ पोर्शन में, हमने टीथ के बारे में भी बात कर ली, हमने टंग के बारे में बात कर ली, सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बात कर ली, और क्या क्या चीजें एब्जॉर्ब होती हैं इस बारे में भी हमने बात कर ली। ऑइसोफेगस में क्या होता है, फूड, दो पाइप होते हैं, एक बेंड पाइप, एयर पाइप भी कहते हैं जिसे, जिससे क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, और दूसरा क्या था हमारा, फूड पाइप, जिससे क्या जाता है, खाना जाता है। अगर हम अब बात करते हैं स्टमक की, देखिए स्टमक आपको दिखाई दे रहा होगा यहां, ये वाला पोर्शन आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्टमक। खाना कहां गया, माउथ से होता 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 कहां पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, ठीक है, स्टमक में पहुंचा। स्टमक में खाना जाके क्या होगा, स्टमक में खाना आपका लगभग 4 to 5 hours रहता है, 4 to 5 hours खाना रहता है, मैक्सिमम 5 hours नहीं तो 4 hours में ही, 4 hours तक खाना रहता है। अब आपने जो डाइजेशन मुंह में करा, मुंह में जो खाने को चबाया, तो आपने मुंह में जब खाने को चबाया तो एक पेस्ट बनता है जिसे कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। और जब ये बोलस जब माउथ में पहुंचता है तो ये बन जाता है चाइम। क्या बन जाता है? चाइम। अब बात करेंगे बोलस क्या होता है और चाइम क्या होता है। आपने जब चीजों को चबा लेते हैं, पेस्ट की तरह बना लेते हैं अपने खाने को, कभी खाने के बाद ना, बैड हैबिट है करना मत, पर एक बार करके देख लेना, खाना जाना आज वीडियो देखने के बाद जब खाना खाओ ना, चबाते रहना, और जब खूब चब जाए तो अपना मुंह खोल के देखना शीशे के सामने, आपको जो पेस्ट दिखाई देगा ना वही बोलस है। क्या है? बोलस है। जब ये बोलस जब हमारे स्टमक में जाता है तो इस बोलस पे HCl काम करता है। HCl होता है एक एसिड जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है और ये हमारे स्टमक की मदद करता है क्या करने में, खाने को पचाने में, या फिर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो बोलस को और ज्यादा डाइजेस्ट करने में, और ज्यादा एक पेस्ट की तरह बनाने में, और वो क्या बन जाता है, चाइम। क्या बन जाता है? चाइम। तो देखिए स्टमक में क्या बन जाएगा फिर, चाइम। स्टमक के बराबर ही एक एरिया होता है, ये चीज जो बना के दिखी हुई है, लीवर। देखिए स्टमक के बराबर में आपको लीवर दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी सी बात लीवर के बारे में भी कर लेते हैं। लीवर का शेप कुछ इस तरीके से होता है, लगभग कुछ इस तरीके से लीवर का शेप होता है। ये है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर भी दो पार्ट में होता है डिवाइड, एक इसे कहते हैं लेफ्ट पार्ट लीवर का, और दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं राइट पार्ट। राइट वाला पार्ट जो होता है लगभग 6 to 7 गुना बड़ा होता है लेफ्ट पार्ट से,
और लीवर से जुड़ा हुआ होता है एक ग्लैंड जिसे कहते हैं गाल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गाल ब्लैडर। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, इसे कहते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर में एक तरीके का जूस होता है जिसे कहते हैं हम बाइल जूस। मैंने आपको बताया लीवर होता है, लीवर में होता है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में क्या होता है? बाइल जूस। ये बाइल जूस का क्या काम होता है? ये बाइल जूस का काम होता है, आप अपने खाने में देखो बहुत सी चीज़ें खाते हो, ऐसी चीज़ें खाते हो जिनमें फैट होता है, फैट होता है, मीट है, एग है, या आपका मिल्क है, इन चीज़ों में फैट होता है, या आपके ऑयल हैं, घी है, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में क्या मदद करता है? बाइल जूस। क्या मदद करता है? बाइल जूस। अब मैं हटके एक चीज बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया माउथ से होते हुए फूड कहाँ गया? स्टमक में। लेकिन जब आपका स्टमक खराब होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको लीवर की दवाई दे देता है। क्यों? अरे खाना तो हमारा स्टमक में पच रहा है, दवाई लीवर की क्यों मिल रही है? ये सोचा कभी आपने? आज इस बारे में सोचेंगे। देखिए लीवर में मैंने क्या बोला, लीवर में है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करेगा? आपके फैट्स को पचाने का काम करेगा, और आपकी बॉडी में आपका चाहे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, HCL बहुत अच्छे से काम कर लेता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है फैट्स की, तो फैट्स इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, और जब इजीली डाइजेस्ट नहीं होंगे तो आपका स्टमक अपसेट जरूर होगा, और ये बाइल जूस क्या करेगा? उसे डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। और बाइल जूस किससे निकल रहा है? लीवर से। लेकिन इस बाइल जूस में भी अगर आप ध्यान नहीं देंगे, पथली पड़ जाती है, स्टोन्स क्या हो जाते हैं? स्टोन्स पड़ जाते हैं। बाइल जूस में क्या पड़ जाते हैं? स्टोन्स। आपने सुना होगा कि उनके पथली का ऑपरेशन हुआ है, वही स्टमक में पड़ जाते हैं स्टोन्स। स्टोन्स आपके किडनी में भी पड़ते हैं, लेकिन किडनी वाले स्टोन्स आपके लिए इतने हार्मफुल नहीं होते जितना लीवर वाले होते हैं। क्योंकि एक बार अगर इसमें गाल ब्लैडर में आपका स्टोन पड़ गया, तो ये गाल ब्लैडर डॉक्टर को काटना पड़ता है, इस गाल ब्लैडर को डॉक्टर काट देता है। और डॉक्टर ने एक बार गाल ब्लैडर काट दिया, तो बाइल जूस कहाँ से आएगा? बाइल जूस आएगा कहाँ से? और बाइल जूस नहीं आएगा तो फैट डाइजेस्ट कैसे होंगे? तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। देख बात करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देखिए हमारी बॉडी में दो तरह की इंटेस्टाइन होती हैं, एक को कहते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन और एक को हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 5 से 7 मीटर। देखो बच्चों ध्यान से, यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 5 से 7 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 2 से 3 मीटर। आप कहेंगे अरे सर आपने तो गलत लिख दिया, स्मॉल की 2 से 3 मीटर होनी थी और लार्ज की 5 से 7 मीटर होनी थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 5 से 7 मीटर और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 2 से 3 मीटर। लेकिन फिर भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है और इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? आपको दिखाई दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी सी पतली सी। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी तो होती है लेकिन बहुत पतली होती है। ठीक है, आपके घर में एक बहुत पतली सी डोरी है, बिजली वाली डोरी होती है ना, बिजली वाला केबल बहुत पतला सा होता है, और एक होता है रस्सा मोटा वाला। तो 10 मीटर लंबी जो डोरी है बिजली वाली ले लेना, और इतना मोटा वाला रस्सा ले लेना, कितना? 2 मीटर। किसमें वजन ज्यादा होगा? इसलिए इसे लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए आपको इंटेस्टाइन दिखाई दे रही होगी इस तरीके की, ये घूमी 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 इंटेस्टाइन होती है। अगर मैं इसे इसका सीधा सा एक लाइन बनाऊं कि ये मेरी इंटेस्टाइन है, तो इसमें इस तरीके से इंटेस्टाइन में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बिली। क्या कहते हैं बच्चों? बिली। एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे?
बिली, और इस बिली का काम क्या होता है, इस बिली का काम होता है एब्जॉर्प्शन का, आपके जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो यहां पर इंटेस्टाइन में पहुंचे हैं इन्हें एब्जॉर्ब करने का काम किसका होगा, बिली का, ठीक है। और अगर हम अब बात करेंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन की, देखिए देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, हम चले कहां से थे, माउथ से चले थे, ऑइसोफेगस से होते हुए स्टमक से होते हुए आप कहां पर आए, लीवर ने अपना काम करा और स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन हुआ, न्यूट्रिएंट्स का। अब जब आपका फूड इन सब चीजों से घूमता हुआ कहां पे पहुंचता है, ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, LI लार्ज इंटेस्टाइन यहां पर पहुंचता है। तो यहां पर फूड में ऐसा कुछ भी चीज नहीं बचती जो एब्जॉर्ब करी जा सके बॉडी के लिए जिसकी जरूरत हो, लेकिन एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम वाटर। यहां तक जब खाना पहुंच जाता है तो बस एक चीज की जरूरत होती है, वाटर, और वाटर को हमारी बॉडी यहां से एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर को, बाकी का जो आपका जो बचता है वो बचता है कचरा, और आपके शरीर का कचरा जो वेस्ट मटेरियल है वो यहां से घूमता हुआ एनस के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये बच्चों आपका ये पूरा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इस पूरे को एक दूसरे नाम से और जाना जाता है जिसे कहते हैं, इस पूरे को ही कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये आपके शरीर में माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा एरिया है, पूरा एक जो पाथ बना हुआ है उसे ही क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल। और आपका ये जो यहां से जो वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ था ना, वाटर जो एब्जॉर्ब हुआ था यहां से, वो किडनी से होते हुए आपके शरीर से बाहर आ जाएगा, किस फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में, टॉयलेट, ठीक है, उस फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो आपके लिए ये सारी वीडियो आज के लिए इतनी ही थी, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।